लालू जी की चिंता है तेजस्वी की, सोनिया माता का चिंता है राहुल की, ममता बनर्जी उनको अपने चिंता है, अरविंद केजरीवाल को अपने, ये जितने लोग हैं सब अपने लिए भविष्यवाणी करें, अपने बारे में सोचें। सालों की इतनी लंबी श्रृंखला से जिसका संबंध रहा हो और उसके पोता पोती उसके पिता अगर करप्शन की बात करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। बिहार राहुल गांधी पता नहीं हिंदू हैं कि मुसलमान हैं ये हम नहीं जानते। चैनल के माध्यम से राहुल गांधी को मैं कहना चाहता हूँ कि भारत हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। मतलब तो हम ही किसी कार हैं, पहले वो तो स्पष्ट करें कि वो हिंदी हिंदू हैं कि क्रिश्चियन हैं या कौन धर्म का वो सपोर्ट करते हैं। जीरो टॉलरेंस पे ये सरकार काम कर रही है। ये सरकार में कोई सोचेगा कि गलत करके बचे हैं, बचने वाला नहीं हो, चाहे वो खाकी वाला हो और चाहे वो खादी वाला हो। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संतोष जी, इन दिनों लालू प्रसाद यादव भविष्यवाणी कर रहे हैं आप लोगों की सरकार को लेकर, और ऐसे में यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है वो कमजोर हो चुकी है और 1 महीने में सीधे खत्म हो जाएगी। देखिए, पहले तो भविष्यवाणी की बात अगर कहते हैं तो लालू जी एक बड़े नेता हैं और काफ़ी उनको अनुभव रहा है राजनीति का, लेकिन देहाती कहावत है कि जब उम्र आदमी का ढल जाता है तो थोड़ा दिमाग से आदमी अस्त व्यस्त हो जाता है। अब क्या भविष्यवाणी करेंगे, अपने बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें और अपने बारे में भविष्यवाणी करें, बेटा के बारे में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरे के बारे में भविष्यवाणी करने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल के लिए सरकार बनी है, देश के लोग और एनडीए की सरकार मजबूती से इंटैक्ट है और 5 साल चलेगी। 5 साल के बाद 29 के बाद भविष्यवाणी करेंगे तो अच्छा लगेगा। एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है, बिल्कुल और उज्ज्वल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए सरकार विकास के लिए प्रतिबद्धता है, एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है कि विकसित बिहार हो, विकसित भारत हो। लालू यादव का प्रतिबद्ध है या जो उसमें इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जैसे मान लो लालू जी की चिंता है तेजस्वी की, सोनिया माता का चिंता है राहुल की, ममता बनर्जी उनको अपने चिंता है, अरविंद केजरीवाल को अपने, ये जितने लोग हैं सब अपने लिए भविष्यवाणी करें, अपने बारे में सोचें। और ये जो नरेंद्र मोदी की नीति और नीयत के साथ, विकसित बिहार के साथ और विकसित भारत के साथ जो जुड़ा है, उसको कोई परेशानी नहीं है। सब एक नीयत में चल रहे हैं, कोई इस दिक्कत नहीं तरीके है। से आप लोगों की बिहार में डबल इंजन की सरकार है, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो पहला इंजन है वो भ्रष्टाचार में लगा है और दूसरा जो इंजन है वो अपराध में लगा है। देखो, अगर तेजस्वी यादव अगर भ्रष्टाचार और अपराध की बात करते हैं तो बेमानी लगता है। बिहार के दशकों से उनके पिता और माता का और उनका राज देखा है, ये कोई नई बात नहीं है। आपके जैसे, बुरा नहीं मानिएगा, आपके जैसे जो लोग हैं, जो लालू जी का जंगल राज नहीं देखा होगा, जिसने अपराध नहीं देखा होगा, और करप्शन की बात करेंगे, अभी करप्शन में ईडी सीडी पूरा परिवार करप्शन में लिप्त है, कहीं जमीन घोटाला, कहीं रेलवे घोटाला, कहीं कुछ और घोटाला, और चारा घोटाला तो पूरा विश्व जानता है, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। लगातार पुल गिर रहे जो हैं, घोटालों की इतनी लंबी श्रृंखला से जिसका संबंध रहा हो और उसके पोता पोती उसके पिता अगर करप्शन की बात करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। बिहार के लोग सभी समझ चुके हैं। संतोष जी, बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एनडीए सरकार सोई हुई है, चुप्पी साधे है और कोई इसको लेकर कार्रवाई अरे, नहीं कर रही। 18 महीना थे तो कहाँ सोए हुए थे, इंग्लैंड अमेरिका गए थे, उन्हीं के ना विभाग में था पुल उल, तो क्या कर रहे थे। अरे, पुल पे जांच हो रही है, शायद प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जांच में पाया गया है कि उसका डिजाइन गलत है, जी दोषी जो इंजीनियर है, जो उसमें दोषी लोग हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। ये सुशासन की सरकार है, कभी दिमाग में नहीं रहे, जीरो टॉलरेंस पे ये सरकार काम कर रही है। ये सरकार में कोई सोचेगा कि गलत करके बचे, बचने वाला नहीं हो, चाहे वो खाकी वाला हो और चाहे वो खादी वाला हो। इसलिए तेजस्वी यादव को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार जीरो टॉलरेंस अपराध, जीरो टॉलरेंस करप्शन पे काम कर रही है, इस पे आगे बढ़ रही है और विकसित बिहार के बारे में सोच रही है। बिहार इसी में आगे बढ़ रहा है। बाकी पुल का जहाँ तक सवाल है तो पुल की जांच होगी, पुल पे जो दोषी होगा उस पे कार्रवाई होगी। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, राहुल गांधी जो है हिंदुओं को लेकर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं। देखो, पहले तो मैं बता दूं, राहुल गांधी पता नहीं हिंदू हैं कि मुसलमान हैं ये हम नहीं जानते हैं।
उनसे मेरा एक सिर्फ गुजारिश है कि वो पब्लिक को बता दें, यानी भारत के भारतीयों को बताएं कि किस धर्म को मानते हैं। एक धर्म है इटली वाला, जहाँ से उनका खून का रिश्ता है, और एक भारत वाला है, वहाँ भी है। ये पहले स्पष्ट करें कि इटली वाला धर्म मानते हैं कि भारत वाला। अगर इटली वाला धर्म मानते हैं तो चैनल के माध्यम से राहुल गांधी को मैं कहना चाहता हूँ कि भारत हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। और हिंदू का डिफिनेशन कुछ जाति नहीं होता है। हिंदू तो वसुधैव कुटुंब कहता है, तो सनातनी होता है। वसुधैव कुटुंबकम, ये ब्रह्मांड में जितने लोग हैं सब भाई हैं, सब बंधु हैं, कोई पिता है, कोई माता है, यहाँ तक कि वृक्ष को भी हमने अपना भाई माना है, पशु पक्षी को भी अपना भाई मानना है। ये धर्म है सनातन, और ये हिंदू है। हिंदू कोई जाति से हिंदू है, उनको कहीं गलतफहमी हुआ है, वो गलतफहमी के शिकार हैं। पहले वो तो स्पष्ट करें कि वो हिंदी हिंदू हैं कि क्रिश्चियन हैं, या कौन धर्म का वो सपोर्ट करते हैं। इसलिए उनको पता नहीं है इस देश के बारे में, इस देश की संस्कृति और संस्कार के बारे में पता नहीं है उनको। और ज़्यादा अभी समय लगेगा सीखने में, और सीखेंगे, उनको लगता है कि एक अंधे के हाथ बटेर लग गया तो बड़ा तिसमार खां हो गया, बहुत बड़ा शिकारी हो गया। ऐसा नहीं है, ये देश हिंदुओं का है, हिंदुओं का रहेगा और हिंदुओं का था। लेकिन हिंदुओं का यह देश था, आगे भी रहेगा, और ऐसे में हिंदुओं का ये देश है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह थे, ऐसे में तेजस्वी यादव के बयान को लेकर, लालू प्रसाद यादव के बयान को लेकर, और साथ ही राहुल गांधी के बयान को लेकर काफ़ी हमलावर थे और मुखर होकर अपनी बातें रख रहे थे। यह साफ कहते हुए नजर आए थे कि किस धर्म को मानते हैं राहुल गांधी, वो स्पष्ट करे। ऐसे में जिस तरीके से पुल गिर रहे हैं उसको लेकर यह साफ संतोष सिंह ने कहा है कि कार्रवाई हो रही है। ऐसे में जिन एजेंसियों के द्वारा, फिर जिन इंजीनियरों के द्वारा कार्य किया गया है जिनके वजह से पुल गिरा है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। एनडीए सरकार खादी को भी नहीं छोड़ेगी और खाकी को भी नहीं छोड़ेगी अगर वो गलत करते हैं तो। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। कैमरे के हमारे सहयोगी विकास हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।